लोग आ चुके हैं, हाँ हम लोग आ चुके हैं निधिवन से वापस, और उसके बाद इस्कॉन टेम्पल जैसा आपने देखा वहाँ गए थे, वहाँ से आ गए और अभी हम कर रहे हैं चेकआउट। इसलिए सारे मजदूर तैयार हो गए हैं फिल्टा उठा के, ये जो बैग गया ना ये देखो, बोलती बंद बोलती तो अभी हम यहाँ से कर रहे हैं चेकआउट और अब हम निकल रहे हैं मथुरा के लिए। We are heading towards मथुरा। डालो अब क्या डालो, बॉटल डालने को बोला आपके बैग में तो आएगी नहीं, तो ये इसमें डाल देते फिर लिफाफे में, ये डाल दो ठीक के डालो डालो फोड़ दिए फोड़ दिए तो जी ये था रूम और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बैठे, ये यहाँ विंडो थी जो, और ये वॉशरूम था, और ये एक यहाँ पर हमें अलमीरा मिली थी, ये टीवी जो हमने देखा नहीं, ठीक है जी, राधे राधे, ठीक है राधे राधे, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी कोई रिव्यू देंगे आप, अगर आप भी आते हैं वृंदावन तो जाइए हीरा ठाकुर के होटल में, वो रहा हीरा हीरा ठाकुर नहीं है यार वो, अरे मजाक कर रही हूँ सरकाज़म में बोल रही हूँ। चलो जो रूम था महंगा तो था अकॉर्डिंग टू अदर, लेकिन सफाई बहुत अच्छी थी। ये अपनी झांकियाँ निकल गई थी अभी, इतना भारी बह गई है ना, हमसे भारी तो बह गए, शुक्र है वो दूसरे हाथ वाले वो मथुरा में गए ट्रॉली बैग है ना, गोबर ही गोबर था रास्ते में तो नहीं हमने ले कहाँ जाने थे, वो ऑटो में तो आ ही जाने, ऑटो में या तो वो ट्रॉली बैग ही आने थे या तो हम ही आने थे, बस इसमें ना अनकंफर्टेबल होते वो उठाने में बहुत। राधे राधे तो यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाते, हॉर्न की जगह इधर राधे राधे बोलते हैं, राधे और किसी को गुस्से में बोलना के लिए राधे राधे, राधे हाँ नहीं राधे भी बोलते हैं, हाँ राधे किधर चलो ना, हाँ राधे बोलते हैं, राधे किधर चलोगे, राधे प्रसाद ले लो राधे। और तो जी ये है यशोदा होम स्टे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया है रूम ये ऊपर बालकनी वाला, और मथुरा में पहले हम गए होटल्स में, एक मेन हाईवे पे होटल है लेकिन वो इतना महंगा है, 3500 रुपए का रूम है और फिर GST अलग से, और मतलब मिनिमम वाला 3500 का है जो बेस प्राइस है, बाकी सब जो है वो उससे भी ऊपर है। और अभी हम जो है रूम लेके हम जा रहे हैं अब अपना मथुरा को एक्सप्लोर करने, मथुरा में मथुरा पहले हम गोकुल जाएंगे, गोकुल जाएंगे उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि वगैरह द्वारकाधीश वगैरह ये शाम में जाएंगे, अभी हम जाएंगे गोकुल, और बस स्टैंड से थोड़ा ही अंदर को है और बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है बहुत ही, ये देखिए मेन रोड से दिख जाता है। वहाँ गए आप, ये मैं मेन रोड यहाँ नहीं मिलेगा, इधर नहीं आएगा चाचे का ऑटो, इधर नहीं आएगा वो, यार क्या करते हैं आप ऐसा, वो यार आप कहते हो ऑटो लेके आ जाते। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल की गलियों में, अभी गलियों में तो नहीं गलियों में जा रहे हैं, गोकुल पहुंच चुके हैं यमुना तट के बिल्कुल नज़दीक, और दिख कैसे और यमुना में बर्फ़ पड़ी है यमुना में बर्फ़ पड़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर सब लोग, कोई 20 रुपए में दर्शन कराता है, कोई 51 रुपए में दर्शन कराता है, तो ऐसे ऐसे बात है। यमुना तट पर हम है, ढूंढ ढूंढ के जाएंगे हम, ढूंढ ढूंढ के करेंगे फिर पता लगेगा हमें, तो अब हम जाते हैं मंदिर, देखो कौन सा किधर जाएंगे क्या जाएंगे कोई पता नहीं, पूछते पूछते जाते हैं, देखिए सबसे गलत लोगों से सावधान रहिए और स्वयं अपने दम पर हाँ घूमिए, पता क्या यहाँ पे ना ये गलत है पैसे ले ले, इनको पूछने से अच्छा या इनसे वो करने से किसी लोकल इंसान से पूछो और खुद एक्सप्लोर करो, कुछ गूगल से कुछ लोकल लोकल लोगों से पूछो। तो जी हम पहुँच चुके हैं श्री नंद किला भवन, आगे दे दे 5 सेकंड।
तो जी नंदगांव से हम आ गए हैं। ये पूरा नंदगांव है जो भी है ये, और यहाँ पर ना ये झाग है, ये केमिकल है, तो यहाँ केमिकल सारा जो है पानी में आ गया हुआ है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर की गली बन, कश्मीर की कश्मीर की वादी है। ये भगवान बैठो आराम से, आ जाओ आराम से, चलो जाओ जल्दी पकड़ ले जाना आओगे। हाँ और का है ना, लगा दो और का लेके चलो, जल्दी डालो ढक्का, रुक जा भाई बंदे, आराम से आराम से, थोड़ा और आगे यहाँ पर बचपन याद किया जा रहा है बुढ़ापे में। तो मैं आदित भी खेलता है। ये किधर आ गया? नहीं क्या खेला है, क्या खेला था? पोषम पा भाई, पोषम पा, ऊंच नीच का डाकिए ने, मैं आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। इतनी गंदी स्मेल, ये केमिकल की है क्या सारी? पता नहीं क्या है, बहुत ही खतरनाक। चलो जी चलो, ये बोलो भैया एक टेस्ट करा दो। कल हमने गोलगप्पे खाए थे, इतना गंदा भैया टेस्ट था। हमने लगा यूपी के गोलगप्पे, चाट पकौड़ी कचौड़ी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरीके ये सोचते हुए हम लोगों ने ना गोलगप्पे खाए, एक रेडी पे और एक अच्छे उसमें शॉप, मानी जानी दोनों जगह बकवास, इतने गंदे। तो यहाँ देखते हैं कैसी सन कैसा है, एक्सप्रेशन तेरे खतरनाक थे। तुम लोग खा लो ये ना। अच्छा ये वो 84 जी है, वो 84 लागे वाह। और ये पंचमुखी हनुमान जी है। तो जी ये है श्री यमुना महारानी जी का मंदिर। तो यहाँ पे ना हर जगह मंदिर है, ये देखिए मंदिर है। दामोदर क्या है, दामोदर कुंड, यमलार्जुन उद्धार स्थली, दामोदर कुंड है ये। इधर पानी हाँ होता होगा, ये जो है कुंड नीचे, अब नहीं है ये। इधर भगवान जी, हनुमान जी, श्री गणेश जी। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है मैं अपने दर्शन करने के बाद आपके दर्शन भी करा रही हूँ, और जहाँ ऐसे भीड़ वगैरह रहती है और मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, तो बस हम भी फटाफट जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं। तो बस जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है टाइम, मैं फटाफट से, रश कम है जहाँ पर वहाँ आपको दिखा देती हूँ। 5500 वर्ष पुराना स्थल, माता यशोदा मनोकामना दीपदान स्थली, 5500 साल पर क्या है अंदर, यहाँ पे हाँ
तो यहाँ पर भी है जी कुछ, ये होगा कुछ प्रकट हो। हाय देखिए गाय को भी वो उड़ा रखे है ना, हाय ठंड में। चल अच्छा है यार। हाँ जी प्लास्टिक की जुराबे लानी चाहिए थी पहन के। जूते बोलते समझ आते, जुराबे कैसे होती प्लास्टिक की? तब जूते के अंदर पहननी थी ना वो प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक की जुराबे कैसे? प्लास्टिक को सपोर्ट नहीं तो करते। जी 84 कोश परिक्रमा, 84 क्रमा परिक्रमा। अब ब्रह्मांड जहाँ मिट्टी, कितने मंदिर ले जाएंगे आप? है? कितने मंदिर ले जाएंगे? अभी एक है और उसके बाद चिंतारण, दो ही और मेन है बड़े बड़े। अच्छा, मंदिर रहती चलते हैं, फिर हम उधर मथुरा के मंदिर भी देखने हैं। तो जी अभी आ गए हैं हम यमुना घाट पर। अभी हम ऊपर देख कर आए हैं वो मंदिर, मतलब वो वाला स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी ना, और फिर यशोदा माँ ने बोला था मुंह खोलो, तो जब वो पूरा ब्रह्मांड दिखा था मुंह के अंदर, वो वाली जगह ये, इसके पीछे ये वाली जगह, इसमें गए थे अंदर। यहाँ हमने मछलियों के लिए लिया है दाना और यहाँ डालेंगे। मछलियाँ आती हैं यहाँ पे, ऐसा बता रहे। आई रे मछलियाँ, आई बहनी अभी तो डाला था, कुछ नहीं आए, इसे आएगी आपको मछली। वो इसके लिए गोलियाँ होती हैं आटे की। नहीं क्या इसमें, क्या इसमें ये खिले खिले, तो मुझे भी ऐसा लगा मछलियों के लिए दाना। मैं भी डाल दे, इससे कहाँ आएगी यार, कैसे उड़ जाएगा। मछलियों का तो पता नहीं, ये ज़रूर है ऐसे, यही गंदी होएगी, इससे नहीं आती मछलियाँ। ऐसे ही बोलते आटे की गोलियाँ होती है, नहीं इससे भी आ जाती है। तो कहाँ आ रही है, एक भी नहीं दिख रही, होनी नहीं यहाँ पर। ऐसे बेबको बना दिया हमारे, तो ये जो लोग इधर बोटिंग कर रहे हैं उधर उसने भी फेंक दिया सारा, नहीं आ रहे। तो यहाँ पर यमुना जो है वो साफ़ है, मतलब पानी उतना केमिकल नहीं है यहाँ पर। हमें दिखे हैं धाटू और टोपी वाले लोग। अरे धाटू नहीं हुए, सदरी भी है, ये तो हमारे ही है। तो जी यहाँ पर मछली तो पता नहीं क्या था, सांप तो वही तभी आप बोल रहे ना मछली। आप तो ऊपर ही चढ़ गए, पानी वाले सांप पता क्या सोते हैं। वो देखो देखो वो देखो 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 सांप, कहाँ देख रहे हैं, कितना बड़ा है पूरा सांप ये देखो। और हम मछली को जगह दाना, चलो अब क्या वेट कर रहे हो, बाहर आए और मेरे को काटे और हम सोच रहे हैं ना ये मछली है, मैं नीचे तक चली गई थी, फिर पूजा ने देखा सांप है, इतना बड़ा सांप है पानी के सांप। पूरे मछली आई, मछली में नहीं, ऐसी कैसी मछली पहले आई जो इन्हीं की खिले खा रही है, हमारी खिले खाने नहीं आ रही है। नहीं यार खिले ऐसे चुपके से, सांप भी बड़ा है बड़ा। अरे वो चुपके से ऐसे मुंडी से निकाली थी ना, जितने को मेरे को लगा उतने को, क्योंकि मछली एकदम से आती है एकदम यहाँ, मेरे को पता नहीं एक मिनट ऊपर आ जाए। चल चलो भाई छोड़ दो, योगी जी की कृपा के अंदर जा रहे हैं सनू, योगी की कृपा के अंदर चलो। कैसी लगी आपको कृपा योगी जी की? बहुत अच्छा, और योगी जी खंभा हिला रहा है। तो जी अभी हम योगी जी की कृपा के अंदर है, पूजा जी बन रहा है व्लॉग, फोटो खींचने लो। और यहाँ पर ना कुल्लू से आए हैं बहुत सारे लोग, अरे वो अपनी खींच रहे हैं पहले, तो आप ही खींचो, मैं अच्छा। तो ना कुल्लू से आई है पूरी बस, और मेरी सब्सक्राइबर भी थी उसमें, लेकिन फिर वो नीचे सांप आ गया था ना उसको देख, मेरे दिमाग से ही निकल गया वीडियो बनाने का, और हम इधर आ गए ये देखते देखते। और बहुत सारे लोग हैं उसमें से, दो ने मुझे पहचान लिया कि आप ऐसे ऐसे हो, देखो कहीं भी जाओ ना पहचान लेते हैं लोग, और अपने लोग मिलते हैं ना कहीं बाहर तो बहुत अच्छा लगता है। पूरी बस आई है, तो जी ये हम पहुंच चुके हैं रमन रेती, और यहाँ पे जो ये रेत है ना एकदम साफ है, और सब लोग जो हैं यहाँ पर लोट कर रहे हैं। ਇਹ ਰੋਣ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਠਾ ਚੋ ਮਤ ਇਹ ਰੋ ਤੇ ਮਲਾ ਅੱਧ ਕਿਲਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧ ਕਿਲਾ ਕਾ ਤਾ ਅਰੇ ਤਾਂ ਵੇਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਚਲੋ ਘਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਮ ਵੀ
काला पजामा। जी चलिए हो गया है, माथे पे हमने लगा ली है ये सब, यहाँ लोट पोट हो रहा है ये देखो इस तरीके से। लेकिन सब होते हैं, आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है और रेत जो है एकदम ठंडा है और हम लोगों को जुखाम के आसार पहले ही लग गए हैं, तो हमने वैसे ही हल्का हल्का रेत लगा लिया। बच्चे की तरह खेल रही है, छनी भी है ये रेत, छनी भी रेत है ये, है ना? इसमें पैसे गिरे हुए हैं, जेब से ही गिरे हुए हैं। फोन निकाल, लक्ष्मी मिलना, वेरी गुड, रखो कोई बात नहीं, लो रखो, मिट्टी की जगह ये ले जा। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी कभी भी होनी चाहिए। हाँ हम आ गए हैं कृष्ण जन्मभूमि, बस चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जैसे है, काफ़ी चलना पड़ेगा यहाँ भी। हैं यहाँ लिखा है जय श्री राम, जय श्री राम लिखा है और खूब सारे दिए जलाए हैं। अब हम जाएंगे अंदर, ये काम है, हम पी रहे हैं दूध।